नमस्कार मित्रों, मैं उमा शंकर तिवाड़ी, आप देख रहे हैं जी न्यूज पोर्टल और मैं यहाँ मलाना छोड़ से लाई हूँ GSS मलाना छोड़ 3311 KV स्टेशन, जहाँ से मलाना छोड़ क्षेत्र की सारी ग्राम पंचायतों को बिजली आपूर्ति की जाती है। विगत 10 से 15 दिन पहले से कारण कुछ भी रहे हों, निश्चित रूप से विद्युत आपूर्ति बाधित है। बार बार ट्रिपिंग, बार बार फाल्ट आना, ये सारी समस्याएं हैं। इनको लेकर के आज ग्राम पंचायत मलाना छोड़ के मलाना छोड़ विकास मंच है कस्बे का, उसके कार्यकर्ता यहाँ GSS पहुँचे हैं और उन्होंने एक ज्ञापन तैयार कर रखा है जो वो कनिष्ठ अभियंता को देंगे। कनिष्ठ अभियंता कमलेश मीणा भी यहाँ उपस्थित है और वो यहाँ की जो समस्या है उसका दुरुस्तीकरण करवा रहे हैं। काम चल रहा है फीडर का और अब जानते हैं अपन सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। हालांकि 3-4 रोज से उच्च अधिकारियों तक ये विषय पहुंच चुका है। विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने इस बात को एसी साहब तक उठाया है और आज ये बाय मेल जो बिजली ये JBVNL के जो CMD तक ये पहुंचेगा मैटर, जैसा कि बता रहे। तो अब हम इसके बारे में जो ज्ञापन के लिए आए हैं कार्यकर्ता अब इधर आ जाओ, इधर अब ये जो कार्यकर्ता है जो कोविड गाइडलाइन है उसकी पालना करते हुए सीमित संख्या में पहुंचे हैं और पूर्ण रूप से गाइडलाइन का पालन करते हुए ज्ञापन देंगे कनिष्ठ अभियंता जी को। फिर कनिष्ठ अभियंता से हम जानेंगे कि ये चीज़ें क्या है। ये इन्होंने ज्ञापन दिया है और अपनी समस्याओं को अवगत करवाया है। अब इसके बाद में हम इस ज्ञापन के और जो समस्या वर्तमान में GSS पे कायम है, जिसका हालांकि अपने स्तर पर बिजली विभाग भी अपना उसका दुरुस्तीकरण में लगा हुआ है, फिलहाल अपन जानने का प्रयास करते हैं। जयन साहब जो हमारे कमलेश जी मीणा कनिष्ठ अभियंता वाडोती है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कारण है जो ये हमारी समस्या इस जगह। इधर आ जाइए आप जयन साहब। ये पिछले 15 दिन तक काफ़ी अच्छी स्थिति में, ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। अभी वर्तमान में क्या कारण है कि जो हमारे ये क्षेत्र को बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा है? सर, इसमें मेन ब्रेकर था हमारा जिसकी सेटिंग आउट हो गई थी, इस कारण वो बार बार ट्रिपिंग पे आ रहा था। तो 2-5 मिनट चलता था, वो वापस ट्रिप हो जाता था। इस कारण इससे संबंधित फीडरों को सभी पे समस्या आई। अब उसको हमने कल ही दुरुस्त करवा लिया, अब ट्रिपिंग की कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बाकी रहा तो GSS का भी काम चल रहा है, अर्थिंग फेल है, यहाँ की मैस अर्थिंग फेल चल रही है जिस कारण पोल अपने डैमेज हो रहे हैं। इनको दुरुस्त करवा के बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवा दी जाएगी। जैन साहब, ये यहाँ की व्यवस्थाएं तो आप देख रहे हैं और दुरुस्त करवा भी रहे हैं, जिसे ट्रिपिंग की समस्या थी, जो भी आपने तकनीकी रूप से आपने सब दुरुस्त करवा रहे हैं और हो जाएगा। ये एक समस्या कस्बे की भी है, कस्बे में कई जगह जो अपना पावर है वो डाउन आता है, कई जगह जो नए पोल गड़े हैं परंतु लाइन शिफ्ट नहीं हुई है, ऐसे करके काफ़ी समस्या है। इनके बारे में भी आप कुछ कहें, आपके संज्ञान में है या नहीं है, और इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वोल्टेज ड्रॉप का पता चला है मेरे को, पर इसमें जैसे कंज्यूमर है उनके अलावा भी चोरियाँ हो रही है, इस पर कार्रवाई करवाई जाएगी अब लॉकडाउन हटने के बाद। और अगर रहा उसके बावजूद भी तो एडिशनल बनवा के यहाँ पर पोज करवा दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये थे, धन्यवाद कमलेश जी। और ये थे अपने कनिष्ठ अभियंता और मजी पोर्टल के माध्यम से आशा करता हूँ
कि हमारी न्यूज़ और विकास मंच के कार्यकर्ता का प्रयास, साथ ही जो अभियंता महोदय हैं इनके द्वारा जो कार्य कराया जा रहा है, उससे निश्चित रूप से एक दो दिन में ये सारी समस्याएं हल हो जाएगी, ऐसी हमारी मेरी आशा है। और भी कोई समस्या हो तो कनिष्ठ अभियंता सर, एक समस्या वो रहती है कि हमारा फ़ोन जो पब्लिक का फ़ोन है, ये जो विशेषकर सहायक अभियंता या कनिष्ठ अभियंता कोई जाता है तो वो प्रॉपर अटेंड नहीं होता है, ये भी एक समस्या है। कभी ये तो हो नहीं सकता, वो मेरे पास फ़ोन आया और अटेंड नहीं हुआ। अच्छा, पर्सनल को भी उठाता हूँ और सीडियो को भी उठाता हूँ। चलो ये बढ़िया बात है, हो सकता है मेरे से पहले अगर कोई भी कनिष्ठ अभियंता रहा हो नहीं उठा पाया हो। पब्लिक की मांग, पब्लिक की ये शिकायत रहती है, मतलब पब्लिक की चल रहा हूँ तो ही हो सकता है कोई नेगलेक्ट हो गया हो, अदरवाइज नहीं होगा। धन्यवाद आपको, और आपके बारे में जितना मैंने मेरे स्तर पर जो जाना है, आप कार्यकर्ता यानी काम करने वाले अधिकारी हो और ऐसे अधिकारियों के बलबूते पे ये सब चीज़ें चलती है, अच्छी बात है। काम के प्रति निष्ठा भी होनी चाहिए, और आप देख ही रहे हैं सब कि कार्य बराबर जारी है, और जो कस्बेवासी या क्षेत्रवासियों को जो समस्या हो रही है सुबह शाम की, वो इसी जो कार्य चल रहा है, रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है, इसी की वजह से हो रही है। और ये बरसात के पहले होता भी है हर साल, इसलिए हमको भी एडजस्ट करना है, और जो बात मुख्य कमियां थी वो पूरी कर ली गई है। अब मजी पोर्टल के लिए उमाशंकर तिवाड़ी, जय हिंद जय धन्यवाद।